हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A04S फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A04S फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शंस है, तो ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शंस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर ये ऑप्शन देख सकते हैं कि रोटेट स्क्रीन के जरिए कैसे आप स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि होम स्क्रीन रोटेशंस को कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और कैसे आप रोटेट कर पाएंगे इस ऑप्शन के जरिए फ़ोन स्क्रीन को। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं तो ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शंस को कैसे रोटेट कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में और इसका यूज़ भी आप कैसे कर पाएंगे, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कैसे आप होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं और स्क्रीन को कैसे रोटेट कर सकते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है होम स्क्रीन पे जाकर आप स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सिंपली जब आप इसको ऑन करते हैं तो ऑन करते इसके जरिए आप स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में, और ऑफ़ करते हैं तो आपकी स्क्रीन रोटेट नहीं होगी क्योंकि हमने इसको ऑफ़ कर दिया है। इस तरीके से इसका भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं। आपको बस सर्च करना है रोटेट स्क्रीन ऑप्शन आ जाएगा, जिसको ऑन करके आप इसके जरिए भी स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी फ़ोन स्क्रीन वगैरह आपके फ़ोन में रोटेट हो जाएगी। एंड आप ऑफ़ करते हैं तो स्क्रीन वगैरह आपके फ़ोन में रोटेट नहीं होगी क्योंकि हमने इसको ऑफ कर दिया है। तो इस तरीके से भी होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्क्रीन को रोटेट भी आप कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, और इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।